राज्य आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ जबलपुर और सागर की संयुक्त टीमों ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के तीन अलग अलग मामलों में कुल 5 स्थानों पर छापामार कार्रवाई की है। राज्य आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ जबलपुर और सागर की संयुक्त टीमों ने शनिवार की सुबह एक साथ 5 स्थानों पर छापामार कार्रवाई की। यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के 3 अलग अलग मामलों में की गई है। इन तीनों मामलों में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने बताया कि पहले मामले में सागर ईओडब्ल्यू की टीम ने जल संसाधन विभाग निमाड़ी में टाइम कीपर के पद पर पदस्थ कैलाश चंद मिश्रा के निवास स्थानों पर दबिश दी। सर्वे कार्रवाई आरोपी के यहाँ कई एकड़ कृषि भूमि, जेसीबी, 2 लग्जरी कारें, 3 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। इसी तरह मंडला जिले के नैनपुर निवासी समिति प्रबंधक गणेश जायसवाल, उनकी पत्नी अनीता जायसवाल के विरुद्ध भी ईओडब्ल्यू ने आय से अधिक संपत्ति का मामला पाए जाने पर प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए आरोपी के निवास नैनपुर रेलवे स्टेशन के पीछे सर्च अभियान शुरू किया। यहां भी सर्च कार्रवाई के दौरान गोदाम, मकान और 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों के साथ साथ अनुपातहीन संपत्ति की जानकारी सर्च टीम के हाथ लगी है। वहीं नैनपुर में ही एक अन्य समिति प्रबंधक राजू जायसवाल और इनकी पत्नी संगीता जायसवाल के द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और सर्च कार्रवाई शुरू की गई। आरोपी राजू जायसवाल के घर से 10 लाख रुपए से ज्यादा नकदी और जेवरात बरामद हुई। इसके अलावा दुकान, गोदाम, आधा दर्जन जमीनों के दस्तावेज और वाहनों का पता भी सर्च टीम को चला है। इन सभी स्थानों पर सर्च टीम की कार्रवाई जारी है और ईओडब्ल्यू की टीम को और भी बहुत कुछ बरामद होने की उम्मीद है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को जो शिकायतें प्राप्त हुई थी उन शिकायतों की जाँच कराई गई और जाँच में जो साक्ष्य पाए गए उसके आधार पर आरोपियों के विरुद्ध 3 अलग अलग आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के प्रकरण पंजीबद्ध किए गए, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में ये प्रकरण पंजीबद्ध हुए थे। इन तीनों प्रकरणों में एक प्रकरण निवाड़ी का है और 2 प्रकरण नैनपुर जिला मंडला के हैं, जहां पर आज इन तीनों प्रकरणों में 5 स्थानों पर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ जबलपुर और सागर की टीमों के द्वारा सर्च कार्रवाई की जा रही है। मौके पर भी कार्रवाई जारी है। ईओडब्ल्यू की इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। ईओडब्ल्यू के अधिकारियों का कहना है कि सर्च कार्रवाइयां समाप्त होने पर और भी खुलासा होने की उम्मीद है।